Audio Jungle. सपा के कद्दावर नेता वर्तमान रामपुर सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर प्रशासन ने उनके पर 80 से ज़्यादा मुकदमे लगाए हैं, पुलिस ने उनके पर वारंट भी जारी किए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि आजम खान कब पुलिस के हाथ आते हैं या कब मीडिया के सामने आते हैं और कब पब्लिक के सामने आते हैं। रामपुर की जनता के अलावा पूरे प्रदेश की जनता इस बात का इंतज़ार कर रही है कि आखिर वो शख्स जिसके इशारे पर पूरे सूबे का प्रशासन चलता था, वो प्रशासन की नज़रों से क्यों ओझल है। उनको बचाने के लिए 13 और 14 सितंबर को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रामपुर का प्रोग्राम रखा था, जो अपने निर्धारित समय से काफ़ी देर से यानी शाम को करीब 8 बजे रामपुर पहुंचे और उसके बाद वो यहां से निकलकर सीधा हम सफ़र रिजोर्ट गए, जहाँ पर कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और संबोधन में उन्होंने साफ साफ कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर रात के बाद सुबह आती है, आज़म अकेले नहीं है, पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ है। दूसरी तरफ जिन लोगों के साथ आजम खान की सरकार में या ये कहा जाए समाजवादी की सरकार में जिस वक्त वो मंत्री थे, लोगों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ था, वहाँ पे देख सकते हैं कि आप कितनी पब्लिक वहाँ पे ये मौजूद है। ये यतीम खाना बस्ती है जहाँ पे कभी यतीम रहा करते थे और जो लोगों को यहाँ पर रहने के लिए नवाब रामपुर ने यहाँ पर दी गई थी यतीम खाना बस्ती के नाम पर। आजम खान ने अपनी सरकार में इस बस्ती पर बिल्डोजर चलवा के इसको उजाड़ दिया था और यहाँ पे आरपीएस नाम के एक स्कूल की स्थापना की जा रही थी। फिलहाल इस बस्ती के वो तमाम लोग जो उस समय यहाँ से निकाल दिए गए थे, रात को ठंड में उनको घर से बाहर पुलिस ने अपने डंडे के जोर पर बाहर निकाल दिया था, वो सब लोग यहाँ पर इकट्ठे थे। एक लोकल नेता फैसल नाला के नेतृत्व में ये लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिलना चाहते थे, उनको मेमोरेंडम देना चाहते थे, उनको ज्ञापन देना चाहते थे, उनको अपना दुख सुनाना चाहते थे कि उनके कद्दावर मंत्री ने उनके साथ में क्या क्या किया। लेकिन वो यहाँ पर अखिलेश यादव यहाँ पर नहीं रुके, वो सीधे रिजोर्ट चले गए जहाँ पर उन्होंने जाके कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने अपने आगे प्रोग्राम उसी तरह से बनाए जिस तरह से उन्होंने तय किए थे। दूसरे दिन फिर जब इन लोगों को मालूम हुआ 14 सितंबर को कि उनका यहाँ पर आने का प्रोग्राम है, फिर ये लोग तमाम यहाँ पर इकट्ठे हुए कि उनको अपनी बात कहेंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आजम खान और अखिलेश यादव का विरोध हुआ है। वो लोग अखिलेश यादव जो सूबे के मुखिया हैं, जो सूबे के मुखिया हुआ करते थे, जो पार्टी के मुखिया हैं और सूबे के मुखिया कभी हुआ करते थे, आजम खान जो नंबर दो की पोजीशन में हमेशा से रहे और उन्होंने सपा में एक अच्छा मुकाम हासिल किया, आज उनके लिए लोग किस तरह से हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। रामपुर से क्राइम एक्सपोजर न्यूज के लिए मैं आरिफ खान। अभी भी वो होश में आ जाएं और आजम खान को अपनी पार्टी से निकालें और जिला प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि आजम खान को शीघ्र ही गिरफ्तार करें। अच्छा, ऐसे में अखिलेश यादव रामपुर अगर पहुंचते हैं तो कैसे विरोध का सामना आपके द्वारा वहां करना पड़ेगा? आप खुद देख रहे हैं ये मजलूम लोग हाथों में तख्तियां लेकर चीख चीख कर अपने ऊपर हुए जुल्मों की दास्तान को बयान कर रहे हैं। अखिलेश यादव के अंदर अगर हिम्मत है और साहस है तो वो इसी रास्ते से, उनका मेन रूट जाने का यही है, वो रास्ता नहीं बदले अपना, वो हिम्मत जुटाएं इन मजलूमों का सामना करने की जिनके ऊपर उनके मंत्री ने जुल्म किए थे। मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव ने अपना रास्ता बदला, वो चोरों की तरह छुप के किसी और रास्ते से आजम की यूनिवर्सिटी पहुंचे, तो इस बात से ये साबित हो जाएगा कि ये न सिर्फ मुसलमानों के और मजलूमों के दुश्मन है बल्कि अखिलेश यादव का भी उस चोरी के अंदर बराबर का हिस्सा है जो आजम खान ने रामपुर में की है। हम 4 घंटे से यहाँ पे मजलूमों के साथ इंतजार कर रहे थे उसका, लेकिन अखिलेश यादव ने हिम्मत और साहस नहीं दिखाया इन मजलूमों का सामना करने का, क्योंकि वो एक चोर के समर्थन में आ रहा था। हमें पता चला है कि वो हम सफर रिजॉर्ट जा रहे बाईपास करके, तो हम सफर रिजॉर्ट जा रहे थे मजलूमों को लेकर अपनी जुल्म की दास्तां को सुनाने के लिए, तो हमें पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। लोकतंत्र में इससे ज्यादा काला दिन नहीं हो सकता कि ये मजलूम परिवार जिन्होंने आजम के ऊपर मुकदमे लिखवाए हैं लूट के, चोरी के, गैर इरादतन हत्या के, डकैती के, इन्हीं लोगों को गिरफ्तार आज पुलिस ने कर लिया और आजम जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज है वो खुलेआम घूम रहा है और उसका समर्थन करने के लिए अखिलेश यादव रामपुर आ रहा है। ये सब लोगों की मिली अखिलेश यादव के अंदर हिम्मत और साहस नहीं थी कि
वो इन मजलूमों का सामना करता, इनसे बाईपास करके वो हम सफर रिजॉर्ट जा रहा है। हम इन मजलूमों को लेकर हम सफर रिजॉर्ट जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने हमें गिरफ्तार किया है। ये लोकतंत्र के अंदर काला दिन है कि बूढ़ी बूढ़ी औरतों को, बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। जो मुकदमे में वादी हैं आजम खान के खिलाफ, उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आजम खान के ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो आज खुलेआम घूम रहा है। पुलिस के रवैये को आप क्या कहोगे? पुलिस प्रशासन, ये लोग मिले हुए हैं समाजवादी पार्टी से, इनकी नूरा कुश्ती चल रही है। बूढ़े बूढ़े लोगों को, बच्चों को आज जिस तरीके से इस बात को लेकर ये रिपोर्ट जा रहे थे, ये विरोध प्रदर्शन में एक्स सीएम साहब आ रहे हैं, इनके विरोध में थे जी, और उनको काले झंडे वगैरह दिखा कर ये रिसोर्ट की तरफ जाना चाह रहे थे, इसलिए इनको रास्ते से गिरफ्तार किया। कितने लोग हैं ये सर? ये अब गिनती तो नहीं है, 4-5। कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ पे इनकी जेल बनाएंगे? ये नहीं बताए कहाँ लेके जा रहे हैं, गोपनीय स्थान पर लेके जा रहे हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है? हाँ, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। आज आप लोग दोबारा फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी प्रदर्शन करता है, क्या है पूरा मामला? देखिए, हमने कल भी अखिलेश यादव को ज्ञापन देने की मांग की थी, और अखिलेश यादव एक चोर को बचाने के लिए चोरी के रास्ते से आए और वो अपना रास्ता बदल के हम सफर रिजॉर्ट पहुंच गए। उसके बाद हम लोगों ने हम सफर रिजॉर्ट जाने के लिए जैसे ही मार्च किया तो पुलिस ने हमें कल गिरफ्तार कर लिया था। आज हमें सूचना मिली कि अखिलेश यादव यतीम खाना बस्ती के अंदर जो रामपुर पब्लिक स्कूल कब्जा करके बनाया गया है, जो डिस्प्यूटेड जगह है, वहाँ पे आ रहे हैं निरीक्षण करने के लिए। तो तमाम यतीम परिवार, 90-90 साल के बुजुर्ग लोग, महिलाएं, बच्चे 3 घंटे से उनका फिर से इंतजार कर रहे थे कि अपने जुल्म की दास्तां उनको सुना दें, लेकिन अखिलेश यादव ने आज फिर से वही रूप इख्तियार किया। वो आए यहाँ से और जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ मजलूम पीड़ित लोग खड़े हुए हैं और उनको ज्ञापन देना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी आंखों पर जुल्म का चश्मा चढ़ा लिया जो कि आजम खान ने उसको दिया था, और वो नजरें चुरा कर यहाँ से निकल गए। हम अखिलेश यादव की इस बात का मजम्मत करते हैं और खंडन करते हैं कि अखिलेश यादव को शर्म आना चाहिए। ये तमाम मजलूम लोग घंटों से आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपके पास 1 मिनट का वक्त नहीं था कि आप इनकी जुल्म की दास्तान को सुन लेते। आप सिर्फ आजम खान का पक्ष ले रहे हैं, आप उस चोर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे रामपुर के अलग अलग थानों में दर्ज हैं, जिसको कोर्ट ने गिरफ्तारी के लिए आदेश दे रखा है। तो ऐसे व्यक्ति की आप समर्थन करने के लिए रामपुर आए थे, इस बात से गुरेज नहीं की जा सकती कि आप रामपुर का माहौल खराब करना चाहते थे। लेकिन इंसाफ पसंद इन मजलूम लोगों ने यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश को ये मैसेज दे दिया है कि फिरका परस लोग और इंसानियत के दुश्मन रामपुर के अंदर घुसेंगे नहीं, रामपुर के अंदर आएंगे नहीं, और यहाँ तमाम लोग